आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे मैं इसके वॉल्यूम को 95 के ऊपर करता हूँ तो हल्की सी क्रैकलिंग की इसके अंदर नॉइज आती है, एंड इसका जो बेस वगैरह हल्का सा फटा फटा जैसे आता है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे टेकन टीवी। एंड यहाँ पर मेरे जेब्रोनिक्स ZDB काउंटी 3 है, जिसको मैं अराउंड 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को मैं इस डिटेल वगैरह बताने वाला हूँ कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी है, इसका जो बैटरी बैकअप वगैरह कितना मिलता है मुझे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो आप इसे जो डिजाइन वगैरह देख सकते हैं काफी बल्कि सा डिजाइन आप देख सकते हैं। सर जो डिजाइन वगैरह है बल्कि सा है, ओवरऑल जो इसकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक वगैरह की काफी अच्छी है, मतलब हार्ड प्लास्टिक कोई सा जो मिलता है। फ्रंट में आपको देखिए मेटल की ग्रिल मिलती है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बात करें इसके स्पीकर वगैरह की, तो इसके अंदर को मिलता है 3 वॉट का स्पीकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर को मिलता है अराउंड 3 वॉट का स्पीकर। एंड इसकी जो चार्जिंग वगैरह है वो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर की। बात करें इसकी बैटरी बैकअप वगैरह की, तो मेरे यूजेस में अराउंड 4 to 5 आवर्स का बैकअप वगैरह मुझे मिला है मेरे यूजेस में, जैसे कि मैं अराउंड 80 to 90% पे यूज करता हूँ, तो मुझे इसके अंदर आराम से 4 आवर्स का सिर्फ बैकअप वगैरह मिल जाता है सॉन्ग्स वगैरह में। बात करें इसमें और भी कनेक्टिविटी वगैरह की, बैक साइड में देख सकते हैं ये इसके ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पर आपको देखिए एक USB पोर्ट मिलता है एंड ये हाइब्रिड पोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो करता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल ही केबल से आप इसको चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, सिंगल केबल से तो चार्ज कर सकते हैं, एंड एक ही केबल से आप इसके अंदर ऑक्स वगैरह से सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा हो जाता है। एंड बात करें इसमें कनेक्टिविटी वगैरह की, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट मिलता है, तो जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर देखिए ऑक्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। साइड में इसके है USB पोर्ट एंड इसके नीचे SD कार्ड स्लॉट है, तो इसके अंदर जो इनपुट वगैरह है काफी अच्छा मिल जाता है आपको। एंड आप ब्लूटूथ है तो आप इसमें ब्लूटूथ वगैरह से सॉन्ग वगैरह भी प्ले कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा है। बात करो इसकी जो क्वालिटी वगैरह की, ऑडियो वगैरह की, तो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है इसमें जो हायर बेस है, आप इसको 80 to 90% वॉल्यूम पे जब सुनेंगे सॉन्ग वगैरह, तो इसका जो हायर बेस है काफी अच्छा लगता है सुनने में। इसमें आपको डीप बेस नहीं मिलता, मतलब लो बेस नहीं मिलता उतना, बट इसका जो हाई बेस है काफी अच्छा लगता है सुनने में। एंड इसको मैं यूज करता हूँ ज़ेब्रोनिक्स से काउंटी के साथ, आप देख सकते हैं। एंड आप दोनों को ही TW में पेयर वगैरह कर सकते हैं, तो जिसके से आपका जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा हो जाता है। इसको मैं अपने रूम के 2 साइड में रख देता हूँ, जिसके से एक स्टीरियो इफेक्ट आता है एंड आपका जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ऑडियो का या फिर सॉन्ग वगैरह सुनने का बहुत ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। एंड मैं आपको चलिए इसको पेयर कर दिखाता हूँ सर TW वगैरह कैसे वो करता है। तो सिंपली आपको दोनों को यहाँ से बैक से ऑन करना है। एंड आप देख सकते हैं दोनों ही TW में कनेक्ट हो गए हैं। तो अगर मैं अपना किसी में भी एक सिंगल पेयर करके काउंटी 3 या फिर यहाँ पर काउंटी में अगर मैं सॉन्ग प्ले करूंगा तो दोनों के अंदर जो सेम सॉन्ग प्ले वगैरह होता है एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड तो चलिए मैं सर आपको सैंपल्स वगैरह सुनाता हूँ कि 1 मंथ के यूजेस में इसका जो स्पीकर वगैरह में कोई डिफरेंस वगैरह हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे मैं इसके वॉल्यूम को 95 के ऊपर करता हूँ तो हल्की सी क्रैकलिंग की इसके अंदर नॉइज आती है एंड इसका जो बेस वगैरह हल्का सा फटा फटा जैसे आता है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो सजेस्ट करूँ आप इसको 90 के अंडर ही यूज करें, क्योंकि आप इसको 90 to 95 या फिर 100 पे यूज करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है ऑडियो का उतना अच्छा नहीं आने वाला, आपको हल्का सा फटे जैसा आवाज आता ही है। एंड यहाँ पर चलिए मैं इसका जो TWS फंक्शन आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको देखिए मेरा जो स्पीकर कनेक्ट है ये वाला, एंड यहाँ पर जो मेरे पास काउंटी है इसको यहाँ से करता हूँ ऑन। ZEBRONICS for life. Bluetooth mode. TWS connected. एंड आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर कनेक्ट हो गए। एंड एक मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ, इसकी जो वॉल्यूम है अराउंड 95।
एंड जैसे आपने देखा इसकी जो TWS वगैरह जो फंक्शन हो रहा है काफ़ी अच्छे से वो करता है, इसके अंदर कोई भी ऑडियो लॉस वगैरह नहीं होता है जितना मैंने इसको यूज़ किया है। एंड अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, आपके यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज कलर मिलता है। एंड उसकी जो प्राइस है अराउंड 559 रुपीज़ है, अराउंड 110 रुपीज़ ज़्यादा है जो प्राइस मैंने इसको परचेस किया था यहाँ पर काउंटी 3 को। एंड येलो कलर है अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैंने ट्राई किया था परचेस करने के लिए क्योंकि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और परचेस करके मतलब इसको यूज़ करूँ TWS में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मुझे। तो यहाँ पर जो अभी ये प्रोडक्ट है अमेजोन पे एंड अवेलेबल है, आपको यहाँ पर एक ही कलर मिलेगा ऑरेंज कलर का। एंड उसकी जो प्राइसिंग है अराउंड 100 रुपीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसकी ओल्डर प्राइसिंग। एंड बात करें मेरे रिकमेंडेशन की तो इसकी तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इसके बाद वो मिलता है ब्लूटूथ 5.0 एंड इसकी जो कनेक्टिविटी वगैरह है ब्लूटूथ से मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं हुआ है। एंड अगर आपको इसको परचेस करना है तो इसकी जो बेस्ट बाय लिंक रहेगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं इसके जो ऑरेंज कलर वाले वेरियंट को। एंड मैं आपको तो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।